हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के S20 के बारे में, जो कि लॉन्च होने वाला है गाइस 12 फरवरी को। और गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट लाने वाला है ये फ़ोन, क्योंकि ये फ़ोन जो है वो 108 मेगापिक्सल के साथ लॉन्च होगा। और इसी फ़ोन में तीन वेरियंट निकालेगा सैमसंग, और इस वीडियो में आज हम उसी के बारे में बात करेंगे गाइस, क्या है इसके फीचर्स और क्या है इसके प्राइस। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सैमसंग की तरफ से यहाँ पे सैमसंग S20 की लॉन्च डेट सामने आ गई है 12 फरवरी को। और यहाँ पे तीन वेरिएंट निकाले हैं सैमसंग ने इसी अपने S20 में। तो पहला जो है वो है S20 5G, और ये 5G कंपैटिबल फ़ोन्स होंगे गाइस। तो पहला जो है वो S20 है, जो कि 6.2 इंचीज की डिस्प्ले की स्क्रीन के साथ आने वाला है। दूसरा है S20 Plus, जो कि आने वाला है 6.7 इंचीज के साथ। और थर्ड है S20 Ultra Plus, जो कि आने वाला है 6.9 इंचेस के साथ। और यही फ़ोन होने वाला है गाइस, जिसका कैमरा होगा 108 मेगापिक्सल का। बात करूँ गाइस S20 5G और S20 Plus की, तो यहाँ पे उसकी जो बैटरी है वो है 4000 mAh और 4500 mAh की बैटरी। वहीं अगर मैं बात करूँ S20 Plus की, अल्ट्रा की, तो वहाँ पे उसकी जो बैटरी है वो है 5000 mAh की बैटरी। तो काफ़ी बड़ी बैटरी है, और एक बार अगर आप चार्ज कर लेते हैं इसको तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे तीन रेयर कैमरास मिलेंगे आपको। पहला जो होगा वो होगा 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, फिर 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, और जो थर्ड होगा गाइस वो होगा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जो कि आएगा गाइस 3 ऑप्टिकल जूम विथ 30x डिजिटल जूम के साथ। इसी के साथ साथ गाइस, इसमें 8K रिकॉर्डिंग भी आने वाली है आपको, ठीक है गाइस। और इसके साथ साथ भाई ये 8K रिकॉर्डिंग के साथ भी आने वाला है। और वहीं मैं अगर S20 Ultra की बात करूँ, तो वो आने वाला है गाइस अगेन 3 रेयर मेगापिक्सल कैमरा के साथ, जो कि पहला होगा गाइस 108 मेगापिक्सल का, सेकंड होगा 48 मेगापिक्सल का, और थर्ड होगा 12 मेगापिक्सल का। इसके साथ साथ गाइस ये आने वाला है 10 ऑप्टिकल जूम के साथ और 100 डिजिटल जूम। तो ये काफ़ी बड़ा और बढ़िया कैमरा लग रहा है गाइस, और फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है ओवरऑल। तीनों फ़ोन के जो फीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ, तो ये चलेगा एक्सिनोज 997 NN चिप सेट के ऊपर। और स्टोरेज की बात करूँ तो गाइस, ये आएगा 128 GB स्टोरेज के साथ। साथ में आपको माइक्रो SD स्टोरेज भी मिलेगी अप टू 1 GB इसमें। और इसके अलावा गाइस, ये S20 जो अल्ट्रा होगा 5G, जो आएगा 512 MB ऑप्शन के साथ, यानी अलग एक एक्स्ट्रा फीचर आपको इसमें मिल सकता है, ठीक है गाइस। तो ओवरऑल गाइस जो है ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे फीचर्स तीनों वेरिएंट के। अब आप बताइएगा गाइस कि आप कौन सा वेरिएंट लेना चाहेंगे। अगर आप प्लान कर रहे हैं S20 5G वाला लेना चाहेंगे, S20 Plus या S20 Ultra, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस मुझे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो गाइस तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।